नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर इस कदर है कि सिर्फ बैतूल में ही पिछले 24 घंटे में 63 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के बैतूल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनूठा तरीका भी अपनाया है। बैतूल के गजद थाना के सामने सड़क पर खड़े पुलिस कर्मियों ने बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर थाना परिसर में रखी कुर्सियों पर बिठाया और यहां पर लगे प्रोजेक्टर पर उन्हें कोरोना जागरूकता पर बनी एनिमेशन फिल्म दिखाई गई। कुछ घंटे के लिए दी गई सजा में उन्हें कोरोना से बचने के लिए उपाय बताए गए और कोरोना कितना खतरनाक है ये भी दिखाया गया। इस दौरान लोग भी इस सबक से काफी कुछ सीख कर गए। इतना ही नहीं, इन सब ने लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से ना निकलने का प्रण भी लिया। दरअसल बैतूल महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, यही कारण है कि यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में जहाँ 63 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव संख्या हो गई है 49,065 पहुंच गई है। कोरोना से अभी तक 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले में बैतूल प्रदेश में 9वें स्थान पर है। इसलिए पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि किसी तरह कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाई जाए और कोरोना के मामलों को रोका जा सके। इस खबर फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।